हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपको आपकी ईवीएस बुक का लेसन 16 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसकी बुक क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। क्वेश्चन आंसर देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर वीडियो पसंद आए। अगर आपको लेसन 15 14 किसी की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके, देखिए अब इसके क्वेश्चन आंसर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लाइफ लाइन्स ऑफ आवर कंट्री, हाउ डू दे हेल्प अस। जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, उसकी लाइफ लाइन्स क्या हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द लाइफ लाइन्स ऑफ आवर कंट्री। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, और कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, ये हमारे देश की लाइफ लाइन्स हैं। दे हेल्प टू डिवलप एक्टिव लिंक्स बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। ये साधन विभिन्न क्षेत्रों के बीच सक्रिय संबंध विकसित करने में मदद करते हैं। जो टेलीफोन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये जो साधन है, ये हमारे संबंध विकसित करने में, सक्रिय संबंध विकसित करने में मदद करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है और वाटर ट्रांसपोर्ट है, इनके एडवांटेज के, इनके लाभ क्या हैं। तो एडवांटेज ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज देखते हैं। सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है वो छोटी डिस्टेंस के लिए सूटेबल होता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट बल्की एंड हैवी गुड्स, और ये भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हेल्प करता है। एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, और वो जो पानी वाले ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं। यह बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये इसमें कम खर्चा आता है। इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ एन इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हमारी इको फ्रेंडली है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। हमारा जो अगर लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उससे जैसे भी कोई व्हीकल, उससे धुआं निकलता है जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। परंतु जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, इससे कोई भी धुआं वगैरह नहीं निकलता, इसलिए ये इको फ्रेंडली हमारे। व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज एंड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यस आइडियाज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे जो विचार हैं एक दूसरे से चेंज करने, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से चेंज करने का साधन है। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन सेंडिंग अ लेटर, और लेटर सेंड करने के लिए हमें स्टेप बताने हैं। सबसे पहले हम राइट द कॉन्टैक्ट एड्रेस, उसके ऊपर एड्रेस लिखेंगे ऑफ अ पर्सन टू होम वी वॉन्ट टू सेंड द लेटर। सबसे पहले हम उसके ऊपर एड्रेस लिखेंगे जिसको हमने वो लेटर भेजना है। ऑल्सो राइट द पिन कोड अलॉन्ग विद द एड्रेस, और उसके साथ हम पिन कोड भी जरूर लिखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।